नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ए टू जेड स्पीड न्यूज़ में। कौन बनेगा करोड़पति 13 के लेटेस्ट यानी 1 सितंबर के एपिसोड में हॉट सीट पर लखनऊ के अमन वाजपेयी को बैठने का मौका मिला। उन्होंने सबसे पहले फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट ट्रिपल टेस्ट राउंड जीता और हॉट सीट तक पहुँचे। अमन वाजपेयी फिलहाल पढ़ाई कर रहे हैं और उनका सपना एक रेस्टोरेंट खोलने का है। अमन वाजपेयी ने हॉट सीट पर अमिताभ बच्चन के सामने बहुत बढ़िया गेम खेला। 1,60,000 जीतने तक उन्होंने 2 लाइफलाइनों का इस्तेमाल किया। उन्होंने अगली 2 लाइफलाइनों की मदद से 12,50,000 रुपये जीत लिए। उनके गेम को देखकर उम्मीद की जा रही थी कि वह 25 लाख आराम से जीत लेंगे और शायद 50 लाख तक भी पहुँच जाएंगे, लेकिन जब अमिताभ बच्चन ने 25 लाख रुपये के लिए सवाल पूछा तो अमन वाजपेयी जवाब नहीं दे सके और फिर गेम क्विट कर दिया। अमिताभ बच्चन ने अमन वाजपेयी से 25 लाख रुपए के लिए जो सवाल पूछा था वह यह था। साल 1993 और 1996 के बीच कार्यरत राष्ट्रीय मानव आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? इसके 4 ऑप्शंस थे, जस्टिस जेएस वर्मा, जस्टिस एएस आनंद, जस्टिस रंगनाथ मिश्रा, जस्टिस एमएन वेंकटचलैया। अमन को इसका सही जवाब मालूम नहीं था और इसलिए उन्होंने गेम क्विट करना ही बेहतर समझा। इस सवाल का सही जवाब सी, जस्टिस रंगनाथ मिश्रा था, जबकि अमन को लग रहा था कि इसका जवाब एमएन वेंकटचलैया होगा। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। देखते रहिए ए टू जेड स्पीड न्यूज़। धन्यवाद।